हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और हमेशा मेरी यही दुआ होती है अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें। और सुबह का आगाज़ हो चुका है और बस ये है कि अभी फ्रेश हुई हूँ सुबह उठ के, और टाइम हो गया है जी 9:15 हुए हैं और समर आ गया है, मज़ेदार किस्म का, अच्छी मज़े की धूप है, थोड़ी सी घर अच्छे से सारे जो है जर्म्स वगैरह निकल जाते हैं, विंडो खोलते हैं, थोड़ा सा कर्टन वगैरह हटाते हैं, जैसे कि मैंने भी थोड़े हटाए हुए, और विंडो तो अभी नहीं खोली हुई, ये देखें कर्टन हटाए, और कितनी खूबसूरत सा वेदर, सनी वेदर है, और रात को बारिश हुई थी, बस यही है। लेकिन ये है कि दिन का अच्छा अच्छा टाइम है, थोड़ा सा थोड़े दिन तक तो गर्मी रहनी चाहिए, वरना तो पूरा साल ठंड रहती है, तो बॉडी हमारी जो है ना इतना स्ट्रेच हो जाती है, लाइक कैसे कि हम मूव करते हैं तो इतना ज़्यादा उसको वार्म नहीं मिलता बॉडी को ना, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ वेट करते हैं कि समर आए, गर्मी आए, तो लोग फिर ऐसे निकलते हैं बाहर कि बस जैसे पानी डालने से चींटियाँ निकलती है, ऐसे ही है। तो क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, तो चले मैंने भी लोग बनाया है आज स्पेशल कि हम शादी पे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिटेल बता दूं, मैं थोड़े दिन अपनी बेटी के पास थी, एक दो व्लॉग आपने देखे होंगे कुकिंग के भी और व्लॉग भी देखे होंगे मेरे, तो बेटी के पास थी और रात को ही आए थे, और लेकिन रात को क्या आया, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को इतना कोई मिस कर रही हूँ, फिर मेरी बेटी वीडियो बना बना के भेज रही हूँ, और मेरा दिल तड़प रहा था कि उसको प्यार नहीं कर पा रही, तो इतना मिस कर रही हूँ कि मेरा दिल इतना सैड था रात को कि मैं याद में आंसू भी आ रहे थे, इतना मैं उसको इतना कोई मिस कर रही थी, और स्टिल अभी भी तो बस दिल चाहता है कि उनके पास, उसके पास चली जाऊं, करीब घर हो तो मिलकर आ जाऊं, फिर ऐसे है तो थोड़ा सा दूर है, तो फिर मेरे हस्बैंड का वर्क भी होता है, तो फिर जब उनका ऑफ होगा तो मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। थोड़ी मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, फ्लू फीवर और ब्लड प्रेशर भी हो रहा था थोड़ा सा, और दूसरा शादी पे भी जाना था, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी सेटल होगी तो फिर मैं ज़रूर अपनी बेटी के पास जाऊंगी और अपनी ग्रैंड डॉटर को बहुत सारा प्यार करूंगी। तो चलें थोड़ा सा मैं घर को दिखा दूँ, एक दो हफ्ते से घर पे नहीं थी, तो घर ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक हालत में ही है, जब बीवी घर पे नहीं होती और घर पे नहीं होती तो थोड़ा सा सेट ही रखा होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग करूँगी, कल करूँगी, लेकिन आज ये है कि शादी पे जाना है, शादी की तैयारी करनी है, और चले दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बैक कैमरे से थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखा दूँ, थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत धूप है, और अपने इसका हाल भी दिखा दूँ, ये विड्स निकल आई हैं, फिर ये देखें साइड से, तो वेदर अच्छा है तो एक बारिश होती है तो निकल आती है, ये देखें ये छोटे छोटे ये सारे, इनको सबको साफ़ करूँगी, और खैर इतना ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है, जल्दी साफ़ हो जाएगा, इतना नहीं है, ये देखें कितना अच्छा है। और स्कूल में वो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, फुटबॉल का मैच था तो सब ने फ्लैग लगाए हुए हैं, हम बैठ ही नहीं वरना मैं भी ज़रूर लगाती, तो मेरी बेटी ने भी उनके भी उन्होंने अपने घर पे गाड़ी पे भी लगाए थे, तो चलें चलते हैं। और कल मैं सफाई करूँगी, थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँगी, वैसे इतना देखने में इतना गंदा नहीं लग रहा लेकिन मुझे खुद को फील हो रहा है, तो ये मैंने निकाल लिए हैं नेल, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए मैंने नेल पाँव पे लगाऊंगी, नेल कलर ये लगाऊंगी, नेल पेंट लगाऊंगी, ये मैंने काफ़ी ऐसे पड़े हुए थे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो इत्तेफाक से ये मेरे उस पर मैच भी कर रही हैं, तो ये भी मैं लगाऊंगी जब तो दिखाऊंगी, क्योंकि नेल जेल के लिए इतना टाइम नहीं, मेरे नेल्स देखे बिल्कुल ऐसे हो गए, इसलिए मैंने छोटे कर लिए इसको लगाने के लिए, तो ये मेरी ड्रेस के साथ जो मैं थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है, मैं वैसे इस तरह के कम ही लगाती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है और मैं हमेशा जेल ही करवाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जेल का ये होता है कि लॉन्ग टाइम चल जाते हैं, आपके नेल्स भी डैमेज नहीं होते, हम जैसे घर के कामों में हो जाते हैं, तो मैंने नेल्स इसलिए छोटे कर लिए हैं कि इसको मैंने लगाना है, और क्योंकि मेरी नेल जेल काफ़ी दिन से ख़त्म हो चुकी थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया था, ये देखें, तो
ये मेरे कभी कभी कुछ चीज़ बड़ी काम आ जाती है तो ये मेरे उसके साथ मैच कर देंगे मेरे ड्रेस के साथ। तो ये खैर अभी बाद में जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊं कैसे लगते हैं, क्योंकि आके रिमूव भी कर दूंगी कि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ये टेम्प्रेरी अभी है। तो बाकी ये देखे मेरे हस्बैंड यहीं पे रख, मैं घर पे नहीं तो ना तबला हारमोनियम सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं, मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अपनी बेटी के रूम में आ गई हूँ, अभी तक मैं अपनी बेटी के दोनों बेटी के रूम ही बोलती हूँ, बड़ी बेटी का रूम बोलती हूँ डॉली का रूम है, ये छोटी बेटी का रूम मोमो का रूम है, महम है जिसका नाम। तो हमेशा ये ऐसी अभी भी ऐसी हमें कॉल करके बुलाती हैं, डॉली का रूम है ये मोमो का रूम है। तो अपनी छोटी बेटी के रूम में आई हूँ तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या पहने। जो हमारे एक हैं क्लोज फैमिली है तो उनके बेटे का रिसेप्शन है, तो इसलिए कि जानने वाले हैं तो इतने क्लोज नहीं है कि बहुत ज़्यादा भड़कीले पहने जाएं, लेकिन ये है कि नॉर्मल इस तरह का। ये मेरा जो है ये मेरा ब्लाउज है, और ये बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट पे तो पल्लू आ जाता है इसलिए हमेशा मैं बैक पे ही डिज़ाइनिंग बनवाती हूँ। और इसके साथ का मैं मैचिंग का ये क्लच लिया है, और ये मैं साड़ी करूँ पहनूंगी तो उसके साथ मेरे नेल्स गोल्डन और ब्लैक में मैच हो गए हैं। ठीक है, अब ज्वेलरी तो मैंने निकाली है और इसके हिसाब से, लेकिन ये मैं रिंग पहनूंगी, ये इसके साथ वाइट भी है तो वाइट भी मैच कर देगी, और ये गोल्डन है, और ये मैंने वैसे निकाला तो है ये वाला, अब देखो कौन सा मुझे सही लगता है तो फिर मैं वही पहनूंगी, क्योंकि ये सारे इसके साथ मैच कर रहे हैं वाइट और गोल्ड, और ज्वेलरी ब्लैक तो अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह की यही पहनूंगी। इनमें से कौन से पहने जो पहन के चेक करूंगी, दो जो अच्छे लगेंगे वो ही है। तो सैंडल भी इसके साथ नीचे ब्लैक की पहनूंगी, फिर मैं ज़्यादा हील पहनती नहीं हूँ। तो चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट के लिए, किचन में चलती हूँ। अच्छा, इस बालों की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ थोड़ी सी, किचन में चलती हूँ। पहले किचन में देखें मेरे हस्बैंड ने क्या क्या चीज़ें लेके रखी हैं, और इसको जो ग्रीन चिली लेके रखी है लेकिन उन्होंने बाहर रखी है, और बाकी किचन का भी हाल ठीक है। चले बाहर चलते हैं थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। मैंने लास्ट टाइम मैंने लगाए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, पापाया लेकर आए थे, तो वो उसको मैंने सीड्स उसके सारे मैंने लगा दिए, कहीं कुछ निकले हैं कहीं कुछ नहीं निकले, वो भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि कल आके मैंने देखा फौरन के क्या कुछ हुआ है। गार्डन का हाल देखें, इसका भी इसको भी देखें, काफ़ी कितने सारे निकल आए हैं, वीड्स निकले हैं, इसकी भी सारी सफाई करने वाली है। अच्छा, ये इसमें मैंने लगाए थे, बहुत सारे लगाए थे, और कोई फलदार हुए कोई नहीं हुए, ये कुछ निकला है पता नहीं, ये अब पपाया है कि नहीं है या खाली ऐसे ही है, मुझे तो पता नहीं, कुछ नहीं है, आइडिया नहीं है, बड़ा होगा तो ही पता चलेगा ये है क्या चीज़। तो बाकी ये देखें कितना सारा फैल, ओहो ये देखें सारी सफाई करने वाली, इतनी लास्ट टाइम मैंने मेहनत की थी, लेकिन चलें कोई नहीं। अच्छा ये देखें मिंट मेरा, देखें 2 वीक में कहाँ तक फैल गया, ओह माय गॉड, ये देखें अब कितना को यूज़ करें। लास्ट टाइम तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी सारी टोकरी भर के, और वो देखें मिंट वहाँ इतना फैल जाता है, कोई इतना कुछ फैल जाता है, ये यहाँ तक आ गया, ये देखें जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, पता नहीं कहाँ क्यों कैसे फैल जाता है। और यहाँ पे भी मैंने लगाए थे लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने लगाए थे वो निकला ही कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे भी लगाए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं। और यहाँ पे भी मैंने सारे लगाए थे लेकिन पता नहीं ये निकले हैं, मुझे लगता है यही ये, अब आप ही बताएंगे मुझे। ये मैंने पूरा भर के लगाया था, और ये हैं ये वाले, ये है भी कि नहीं अब ये इतना नहीं मुझे पता, ले लग रहा है जैसे ये ही हैं पपीते के, लेट्स सी क्या होता है। तो अगर निकलेंगे तो पता चल जाएगा, पानी तो मैं अब डेली दूंगी, पता चलता है। रात को भी आके मैंने, शाम में जब आए थे तो आके इसको पानी दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको पानी वानी नहीं दिया, बीच में बारिश वारिश हुई तो उसको पानी मिल भी गया, ऐसा नहीं है। तो ये है, ये देखिए, वैसे हमारे लिए घर ज़रा थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बहुत बड़ा घर हमारे लिए।
अंदर आ गई हूँ मैं, इसको करती हूँ बंद। तो ये है सूरत हाल। तो आज तो शादी अटेंड करूँगी, अब कल फिर देखते हैं क्या करना है इसको। फिर सफाई करूँगी सारी और आहिस्ता आहिस्ता बाहर से, फ्रंट से, फिर बाहर से गार्डन को मैं क्लीन करूँगी। और ये है, और बालों का मैं आपको बता दूँ ज़रा। बाल मैंने कल वो शावर लेके मैंने बालों को ना अच्छे से ये करके कैचर बंद करके कर, क्योंकि मेरी छोटी बेटी होती जब होती कहीं आना जाना तो बालों को वही सेट करती थी, अच्छे से करती थी। तो अब मुझसे तो वो सेटिंग वेटिंग होती नहीं है, इसको मैंने किया और थोड़ा सा देखूँगी क्या कर सकती हूँ। क्योंकि कल मेरी बड़ी बेटी ने इसकी कटिंग की थी तो छोटे बाल थोड़े से किए, मेरे बाल ख़राब बहुत हो गए थे, तो इसको मैंने किया है कि थोड़े से इसके वेव्स आ जाएँ। लेट्स सी, तो मैं अब दिखाऊंगी इसके क्या रिज़ल्ट है, तो अपनी बेटी को भी दिखाऊंगी, इसलिए मैंने बांधा हुआ है। चले मैं अपना नाश्ते कर लूँ और फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो फिर हम लोग नाश्ता मिलके करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तैयारी हमारी होने वाली है और बालों को मैंने थोड़ा सा सेट किया है, कटिंग करवाई थी मेरी बेटी ने, कटिंग की है, लेकिन थोड़ा सा सेट किया जाने से पहले अभी थोड़ी सी और थोड़ा सा करूँगी। और नेल्स मैंने नेल पेंट ही लगाया, मुझसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कभी मैंने लगाती नहीं हूँ लाइफ में, एक दफ़ा लगाया लेकिन मैं इतनी बेजार थी कि बस आपको क्या बताऊँ। तो चलें, बाल मेरे बिल्कुल इतने अभी सेट नहीं हुए, तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छी कटिंग की है और इसको थोड़ा सा मैं सेट करूँगी अभी ड्रायर से और ब्लो ड्रायर से, देखती हूँ। तो चले मेकअप वगैरह स्टार्ट करते हैं। मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं करना आता, आपको आपने अक्सर देखा होगा कि ना होने के बराबर है, लेकिन अब जाहिर है अब मुझे खुद ही जैसा मैनेज करना है। बेटियाँ तो मेरे पास हैं नहीं जो मुझे मेकअप कर सके, तो जैसा भी है मैं उल्टा सीधा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत, उल्टा सीधा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इतना नहीं कर सकती, मुझे इतना नहीं आता, आता ही नहीं है, इतना क्या आता ही नहीं है सच बताऊँ तो। तो लेकिन ये है कि अब शादी ब्याहों पे जाना है, करना भी होता है थोड़ा बहुत जो भी है, तो कर ही लेती हूँ मैनेज जैसा भी है। तो चलें बस अब तैयारी पकड़ती हूँ, देखती हूँ बाल कहाँ तक अच्छे होते हैं, क्योंकि पीछे से इतने ज़्यादा मुझसे हुए नहीं है अभी, इसको कोशिश करूँगी या फिर अपने हस्बैंड को बोलूँगी पीछे से ज़रा कर देंगे, सेट कर देंगे थोड़ा सा इसकी जो वेव आ जाएंगी, तो फिर ये है। तो थोड़े एक दो मंथ बाद मैं पॉलर से करवाऊंगी, थोड़े शॉर्ट और करवाने हैं मुझे बाल, क्योंकि हमेशा मेरे शॉर्ट ही रहे हैं, लंबे नहीं कभी भी रहे, लेकिन अब रखना शुरू कर दिया तो इसलिए करवाऊंगी मैं। तो चलें स्टार्ट होते हैं, तैयारी करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी निकल रहे, रेडी हो गए, और बाकी फिर देवरानी के घर जाके बाकी चीज़ें करूँगी। ये देखिए मैंने अभी कंप्लीट नहीं, बाल भी नहीं किया और साड़ी भी। चलिए अभी जा रहे हैं हम सागर के घर। सागर के घर आ गए हम, तो फिर देखते हैं विनिश कितना, विनिश तैयार, फुल तैयार, बेला तो रेडी है, कितना प्यारा ड्रेस है अभी बेला का, तो रेड रेड बाल से ऐसे ही बनाए ऊपर से, ऐसे कोने, हाँ सही है, बहुत बार सही करने मैंने को रास्ते में कर दूंगी इसको। और जयशवा को अभी दूध चल रहा है, बिनिश ने बस ड्रेस चेंज करना है, और इन्होंने भी कुछ चेंज करना होगा तो नहीं करना। सब लोग बैठ गए, बेला अपनी कार्रवाई पे लग गई, बैठते इसको भूख लग गई। डैडा को तो नहीं जी, हम पहुंच चुके हैं वेन्यू में और आगे चल के देखते हैं। एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनिश ग्रीनिश।
पार्किंग है यहाँ पे, वो नहीं है। मिर्की नजर आ रही है, वहीं पे है मिर्की। मुर्गी मुर्गी मिर्गी, ये लगता सारे शादी लाओ जी है ना, मुझे लगता है आ भी गए ना, एडुलेशन ले आ गए ना। हां सही सही नहीं है, साडे पीछे पीछे आए ना बस जी, अजीब ही ना आ गए। ये सब निकाह वाले, निकाह पार्टी है का। Beautiful environment. अभी तुम्हारी नहीं बना रही बिनिश, चलोगे? ये देखें जी, हम तो बस यहीं पे आके एंजॉय करेंगे बस, अंदर तो बाद में जाएंगे, वहाँ जाके जी पहले इधर आओ, पीछे से बटन बंद करो। समझ गए वो लोग, समझ गए हम शादी पे आए, इसीलिए देख रहे होंगे। चले वहाँ खड़े होते हैं। चलो सही कह रही हो बेनिश, यहाँ ज़्यादा वो कलर आ गया, करवा लूँगी यार तुमसे मैं। रोज़ रोज़ बेला की मामा बेला की फ़ोटो बना रही है, और बेला इधर खड़ी हैं, और देखे बेला वो देखे डक का वो घर देखो कितना खूबसूरत हो, हौसला उसका खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ डक हाउस है ये, देखे ब्यूटीफुल है। और दिलावर गाड़ी में है, जोशवा गाड़ी में, इसलिए दिलावर भी गाड़ी में। इधर आ जाओ बेटा, साइड पे जाओ, साइड पे जाओ, बाहर निकल। जोशवा तो बहुत ही मुस्कुरा रहे, जोशवा जोशवा इधर देखो, बड़ी मम्मा बड़ी मम्मा। जोशवा ओए हाय, जोशवा के शूज़ पहनाए जाने हैं। ये ग्रास कौन सा है? ग्रास है ये, ओए गुग्गे ओ गुग्गिया ओए गुग्गिया ओए, आंखों पे धूप कर रही है आयुष में भूत। ओए होए होए वो समझ रहा है क्या, दीदी इसकी कॉमेडी कर रही है। बेला फिर करो फिर करो फिर करो फिर करो, करो उसके साथ मस्ती, देखो हंसेगा। बोचू है बोचू, ओए 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 ओए, चलो चले आ जाए, दो मिनट अभी। अब अंदर जा रहे हैं वेन्यू की तरफ, हंस कैसे रहे। अच्छा ये वाला होगा जो राइट साइड पे है ना, इसको करो 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 करो, आई गुग्गिया आई गुग्गिया आई गुग्गिया। अभी हम जरा बाहर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, अंदर बाद में जाते हैं। कौन सी लेनी है वो मेरे पीछे, ये अच्छी लग रही है ना, लेते हैं। कौन सी लेनी है मैडम? पकौड़ा भी बहुत और चिकन भी बहुत स्पाइसी है। अभी फिर आते फिर दोबारा फिर आएंगे ना। पहला स्पाइसी है पहला समोसा,
ਜਸ਼ਵਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੋ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਵਾ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਦੋ, ਇਸਕੋ ਡਰਿੰਕ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਐਵਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ हाँ, मेरे जो जो ली थी तुमने वही लेना। थैंक यू, वो मैं समोसा रीफिल करने गई है। चलो आप पियो, इसका फ्लेवर कैसा है? और ये वाला ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, ऑरेंज है। मैंने कहा ब्लॉग में डालने, तो फिर आप लोग हमारे साथ हैं। To make me feel happy, she picked up that this really meant a lot to me,
and I think it's just a wonderful testament to the nature of Kiran. She has this unique ability to be able to spark joy and happiness in people through the smallest of acts. And that, I think that intention... चलो शादी हो गई है ख़त्म, बाकी सब लोग चले गए और मैं और बीनिश तो पीछे रह गए। गाड़ी तक जाएंगे पार्किंग तक, तो बस मज़ा तो आया पर शोर बहुत था, इतना लाउड म्यूज़िक। आप लोगों को अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी, बस बर्दाश्त ख़त्म। तो खूब इंजॉय किया हमने, पर्सनली तो खुद बहुत इंजॉय किया। तो वो आगे जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको, अंधेरा भी हो गया काफ़ी। कि ये कंट्री साइड है, यहाँ पे गोरों की हो रही थी शादी और जहाँ हम थे वो देसियों की शादी थी। वो आगे जा रहे हैं, ये देखें, लेकिन अच्छा लगता है ना विनिश। हाँ ये देखें, ठंड कितनी लग रही है, मुझे दिलावर के आए भी रहते ले लो कुछ, मैंने कहा नहीं। तो शादी से हम वापस आ गए हैं, आज की आके हमने चेंज किया है और देवरानी को हमने ड्रॉप कर दिया था उनके घर पे, उनकी फैमिली को, और बस घर आके अभी रेस्ट थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। तो मेरे हस्बैंड तो सोने के लिए चले गए हैं, तो बस मैं भी अभी थोड़ी देर में फ्रेश होके तो सोने के लिए जाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया। और हमने काफ़ी एंजॉय किया, मज़ा किया, ख़ुद से ही एंजॉय हमने किया, और क्योंकि सारी फैमिली थी हमारे साथ, मेरे दोनों देवर, उनके बच्चे, सब लोग थे। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन मैं अपनी बेटियों के भी साथ साथ मिस कर रही थी, और ख़ास तौर पर अपनी ग्रैंड डॉटर को, मेरी स्वीटू को, मेरी जान है, नानों की जान को मिस कर रही थी। कि वो होती तो कितने शोर में डिस्टर्ब होती, या क्या होता या क्या नहीं होता। तो चले नवंबर में शादी आएगी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और मेरी बेटी की फ्रेंड है तो उसकी शादी है, तो वो जाएंगे हम लोग नवंबर में, अभी तो बोल अक्टूबर में, तो तब तक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फोर एंड हाफ मंथ की हो जाएगी। तो चलें, हर वक्त उसको मिस करती रहती हूँ तो इसलिए अपने ब्लॉग में भी जिक्र कर देती हूँ, और बहुत मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस मैसेज करूँगी अभी, तो सो चुके होंगे वो लोग, तो खैर। तो चलें, आप भी दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मैंने सोचा था कि शादी पे जा रहे हैं तो चले थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ अपनी एक्टिविटीज़, और फुल एंजॉय किया। तो चले अब दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत टाइट हो गए बहुत ज़्यादा। तो सोने के लिए बस जाते हैं अभी थोड़ी देर में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, नई वीडियो, नई कुकिंग जो मैं करती हूँ, खाने की मतलब जो कुकिंग की मेरी रेसिपी वगैरह होती है वो भी शेयर करूँगी, और व्लॉग कोई ऐसा कोई ख़ास होता तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।